किसान की जिंदगी आसान नहीं होती। उसको अपनी फसल के लिए हर वक्त चिंता रहती है। जब भी बारिश नहीं आती उसको अपनी फसल के लिए चिंता रहती है कि बिना पानी के उसकी फसल किस तरीके से बच पाएगी। दोस्तों, जब भी बारिश आती है और किसान के खेत में अगर स्लोप है यानी कि ढलान है, तब भी उसको चिंता रहती है, क्योंकि जो भी पानी आएगा किसान की खेत की जो मिट्टी है उसको अपने साथ लेके बहेगा। इसकी वजह से किसान के खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वह उसके खेत से कहीं पे और चली जाती है। इसकी वजह से किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी भी खेत में रखने के लिए किसान को अपने फील्ड पे सोयल का कंजर्वेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, किसान को अगर अपने फील्ड पे या फिर अपने खेत पे अगर सोयल कंजर्वेशन करना है तो उसको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए और वो है उसके फील्ड का स्लोप यानी कि उसके खेत की ढलान। किसान अपने फील्ड की ढलान अगर पता है तभी वह अपने खेत में कौन सी सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस अपनानी है वह उसके बारे में जान सकता है। अगर किसान को या फिर कोई भी टेक्निकल पर्सन को अपने खेत की या फिर फील्ड की जो भी ढलान है या फिर स्लोप है उसको निकालना है तो वह किस तरीके से निकाल सकता है, आज का यह वीडियो उसी पे होने वाला है। दोस्तों, कंट्रोल क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, ये सभी सोयल कंजर्वेशन मेथड स्लोप पे आधारित है। तो किसान के खेत में जो भी स्लोप होगा उसी ढलान के मुताबिक उसको अपनी सोयल कंजर्वेशन मेथड अपनानी पड़ेगी। इसके लिए स्लोप क्या है यानी कि खेत की ढलान क्या है यह बारीकी से समझना पड़ेगा और वह किस तरीके से हम निकाल सकते हैं यह भी हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले, कहीं पे मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं हूं जयपाल सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि विद्या में। तो बिना किसी तरीके के करते हैं आज का टेक्निकल सेशन शुरू। दोस्तों, अगर कोई फार्मर का फील्ड लेवल्ड नहीं है यानी कि उसके खेत में ढलान है तो उसके खेत में जब भी बारिश होगी तब वहां पे सॉइल का इरोजन होगा ही होगा। यह सोयल का इरोजन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहले सोयल का इरोजन रेनड्रॉप की वजह से होता है, उसके बाद शीट इरोजन की वजह से होता है। शीट इरोजन क्या है इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा प्रीवियस वीडियोस में की है। अगर सोयल का शीट इरोजन हो रहा है उसके बावजूद भी अगर हम उसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो फार्मर के फील्ड में इरोजन बढ़ता जाएगा और वह शीट फॉर्मेशन जो होगा वह अब रिल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो दूसरे नंबर पे सोयल का रिल इरोजन होगा। अगर फार्मर फिर भी अपने खेत में जो ढलान है उसको नाबूद नहीं करता है, उसको लेवल नहीं करता है, तो वहां पे रिल जो है वह अब गली का रूप ले लेती है और ये गली में जो भी पानी बहेगा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और उसकी स्कावरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। इसकी वजह से इरोजन जो है फार्मर के खेत में वह बढ़ता जाएगा और वह बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा और काफी सारी मिट्टी का इरोजन उसके खेत में इसकी वजह से हो जाएगा। तो तीसरे नंबर पे गली इरोजन उसके फील्ड में हो सकता है। कि शीट इरोजन क्या है, रिल इरोजन क्या है और गली इरोजन क्या है यह विस्तृत में जानना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके यह देख सकते। यह जो शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन उसको फार्मर को कम करना है अपने फील्ड में तो फार्मर को सबसे पहले अपने खेत की जो ढलान है उसको लेवल करना पड़ेगा। इसके लिए फार्मर को सबसे पहले यह ढूंढना पड़ेगा कि उसके खेत में ढलान की, अगर फार्मर को पता चल जाता है उसके खेत में इतनी ढलान है तब वह उसके रिगार्डिंग सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सभी सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है वो ढलान के परसेंटेज पे आधार है। अगर ढलान का परसेंटेज निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं यानी कि स्लोप का परसेंटेज निकालना है फार्मर को तो वह किस तरीके से निकाल सकता है, आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला। सबसे पहले हम बारी बारी से दोस्तों समझेंगे कि ढलान होती क्या है, स्लोप क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, बाद में हम समझेंगे कि ये स्लोप कितने प्रकार का होता है वह किस किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है उसके बारे में हम देखेंगे। आगे हम ये भी देखने वाले हैं कि कोई भी फार्मर अपने फील्ड का स्लोप निकालना चाहता है यानी कि ढलान निकालना चाहता है तो वह किस तरीके से, कौन सी प्रोसीजर, कौन से स्टेप को फॉलो करे कि जिससे अपने फील्ड का स्लोप जो है वो निकाल सकता है और बाद में वह स्लोप के मुताबिक जो भी एप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हो वह अपने फील्ड में कर सकता है। दोस्तों, जमीन की ढलान या फिर फील्ड का स्लोप क्या है यह समझने के लिए आपको ये जो इमेज आपके सामने शो हो रही है उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि कोई भी फार्मर का फील्ड है उसमें थोड़ी सी ढलान है। दोस्तों, हमने पॉइंट ए और पॉइंट सी को ढलान पे रखा है। अगर हमको पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का स्लोप फाइंड करना है तो हमको सबसे पहले दो वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है यानी कि रन क्या है और दूसरा दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या है यानी कि दो पॉइंट के बीच का राइज क्या है। दोस्तों, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रन कहा जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस को राइज कहा जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारे केस में पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस सी डी और ए बी के बराबर होगा। पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, तो वह होगा ए डी और बी सी के बराबर। दोस्तों तो हमारे केस में अगर हमको पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का स्लोप फाइंड करना है तो वह स्लोप होगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट सी और वह होगा हमारा सी डी इज इक्वल टू ए बी के बराबर। उसको हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा होगा ए डी और बी सी के बराबर। इसको हम वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का अगर हमको स्लोप निकालना है तो हम वह स्लोप यह इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्लोप को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं, एक फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं हम स्लोप, डिग्री में निकाल सकते हैं और एक परसेंटेज में निकाल सकते हैं। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि स्लोप फ्रैक्शन में, डिग्री में और परसेंटेज में किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है वहां पे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी को पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक जाना है, इसके लिए उसको स्लोप को पार करना पड़ेगा। सी से लेके पॉइंट ए तक कितना स्लोप है यह हमको निकालना है, तो हम ये इक्वेशन से फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो ये 3 मीटर है वह हमारा होगा वर्टिकल चेंज वीसी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वीआई। हमारा हॉरिजॉन्टल चेंज होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा 4 मीटर जितना। तो हॉरिजॉन्टल चेंज हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल चेंज या फिर हॉरिजॉन्टल इंटरवल हम बोलेंगे 4 मीटर। तो दोस्तों अगर पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का हम अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो वह होगा 3 मीटर डिवाइडेड बाय 4 मीटर इज इक्वल टू 0.75। तो हमारा स्लोप फ्रैक्शन में बनेगा 0.75। इस तरीके से हम दोस्तों फ्रैक्शन में स्लोप निकाल सकते हैं। आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है उसमें हम देखने वाले हैं कि स्लोप को अगर डिग्री में निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों डिग्री ऑफ स्लोप को हम थीटा बोलेंगे, तो उसका इक्वेशन है राइज अपॉन रन इज इक्वल टू 10 थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो है डिग्री ऑफ स्लोप। तो हमको थीटा कितना है वह निकालना हो तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स कि एक बंदे को अपनी कार पॉइंट सी से लेके पॉइंट ए तक ले जानी है, तो उसको तो अपनी कार स्लोप के ऊपर से ले जानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ट्रायंगल ए बी और सी जो है उसमें जो थीटा बनता है उसको हम डिग्री ऑफ स्लोप के नाम से जानेंगे। जो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस ए टू बी 3 मीटर दिख रहा है उसको हम बोलेंगे राइज। दोस्तों वर्टिकल डिस्टेंस को राइज भी बोला जाता है और वर्टिकल इंटरवल भी बोला जाता है। दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट सी से लेके पॉइंट बी पे जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप देख रहे हो 4 मीटर उसको हम बोलेंगे रन। दोस्तों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रन भी बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल इंटरवल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम वैल्यू रखते हैं तो हमको 10 थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 3/4। इस वजह से हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी 10 inverse 3/4 और यह थीटा की वैल्यू हमको मिलेगी थीटा इज इक्वल टू 36.86। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्लोप था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थीटा इज इक्वल टू 36.86। यह स्लोप की वैल्यू परसेंटेज में कितनी है यह अगर हमको निकालना है तो हम यह इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वर्टिकल इंटरवल हमारा बनेगा 3 मीटर और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंटरवल हमारा बनेगा HI 4 मीटर। अगर इक्वेशन में हम वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल की वैल्यू रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 3/4 × 100। तो दोस्तों यहाँ पे हमको स्लोप की वैल्यू मिलेगी S इज इक्वल टू 0.75 × 100 यानी कि 75%। तो हम स्लोप को अलग अलग तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है फ्रैक्शन में, दूसरा होता है डिग्री में और तीसरा होता है परसेंटेज में। तीनों तरीके से हमने स्लोप एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेट करके देखा। दोस्तों स्लोप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो स्लोप, अनडिफाइंड यानी कि नो स्लोप। आपके स्क्रीन पे जो भी इमेज शो हो रही है दोस्तों उसके बेसिस पे आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव स्लोप किसे कहते हैं, नेगेटिव स्लोप किसे कहते हैं, जीरो स्लोप किसे कहते हैं, अनडिफाइंड यानी कि नो स्लोप किसे कहते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहे तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें ये डिरेक्शन में जो भी स्लोप होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप।
ये डिडक्शन को हम बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। यहाँ पे आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है दोस्तों, वहां पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि एकदम लेवल्ड ग्राउंड सरफेस है, तो ये सभी फील्ड का जो ग्राउंड स्लोप होगा वो होगा जीरो। तो ये एग्जाम्पल हो गया जीरो ग्राउंड स्लोप का। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात एक यह है कि हमने देखा तीनों अलग अलग तरीके से जब हम स्लोप को कैलकुलेट कर रहे थे, फ्रैक्शन में हो या डिग्री में हो या परसेंटेज में, पर हर बार हमने जो इक्वेशन यूज किए उसमें वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल का जिक्र होता था। तो वहां पे आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि हर बार एग्जाम्पल में वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल की वैल्यू दी गई थी, पर अगर एक्चुअली रियल लाइफ में फार्मर का जो फील्ड होता है वहां तो हमको वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल पहले से पता होता नहीं है, तो फिर भी हमको दो पॉइंट के बीच का अगर स्लोप निकालना है या फिर फार्मर के पूरे फील्ड का भी स्लोप निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमको वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाइड्रो मार्कर की मदद से हम यह हॉरिजॉन्टल इंटरवल और वर्टिकल इंटरवल निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हाइड्रो मार्कर की मदद से अगर कोई फार्मर का फील्ड है या फिर कोई भी दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच में अगर एलिवेशन है, यानी कि पॉइंट ए हायर लेवल पे है और पॉइंट बी लोअर लेवल पे है, तो हम हाइड्रो मार्कर की मदद से दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप या फिर फार्मर के फील्ड का स्लोप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो भी इमेज शो हो रही है वह एक हाइड्रो मार्कर की इमेज है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि हाइड्रो मार्कर किस तरीके का दिखता है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। यह हाइड्रो मार्कर बनाने के लिए हमको दो मेजरिंग स्केल लगती है, एक पानी की ट्यूब लगती है जिसकी मेजरिंग स्केल जो होती है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, उसकी हाइट 5 से 6 फीट होनी चाहिए, और दूसरा चाहिए होगा हमको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब जिसमें हम पानी भरने वाले हैं। वह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ट्यूब का जो भी लेंथ होगा वह लेंथ होगा 15 मीटर। दोस्तों ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की ट्यूब में पानी भरकर प्लास्टिक की ट्यूब को दोनों मेजरिंग स्केल के साथ इस तरीके से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो तो हम हाइड्रो मार्कर की मदद से निकाल सकते हैं। सबसे पहले कोई एक स्केल को, जो भी पॉइंट हायर लेवल पे है वहां पे एक स्केल को खड़ी कर देते हैं। वैसे ही मान लो कोई भी पॉइंट बी या फिर लोअर हाइट पे है तो वहां पे स्केल नंबर 2 को खड़ी कर देते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि पॉइंट ए पे जो भी स्केल है और पॉइंट बी पे जो भी स्केल है, दोनों में पानी का लेवल चेंज हुआ होगा। जब हम ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट ए वाली स्केल, तो वहां पे हम देख पा रहे होते हैं कि हमको पानी का लेवल मान लो 90 सेंटीमीटर दिख रहा है। उसी तरह से कि हम अगर ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट बी पर जो भी स्केल खड़ी की है उसको, तो वहां पे जो हमको पानी का लेवल देखने को मिलता है वो होता है मान लो 110 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे पास ये जो दो रीडिंग आई है पानी के लेवल की, उसकी मदद से हम दो पॉइंट के बीच का वर्टिकल इंटरवल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको दोनों वाटर लेवल का डिफरेंस लेना पड़ेगा। दोनों वाटर लेवल का हम अगर डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वह होगा 20 सेंटीमीटर। तो यह जो डिफरेंस आया है वह हमारा बन जाएगा वर्टिकल इंटरवल। इसी तरीके से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा दोस्तों, वह अगर हम मेजर कर ले तो वह हमारा बन जाएगा एच आई, यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटरवल। आइए दोस्तों ये हाइड्रो मार्कर किस तरीके से काम करता है और उसकी मदद से हम किस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, यह एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप यह करना है, हम जो भी दो पॉइंट के बीच का हमको स्लोप चाहिए उसमें से कोई भी एक पॉइंट पे हम दोनों स्केल को रख देते हैं। दोनों स्केल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि पानी का लेवल क्या है तो वो हमको देखने को मिलेगा कि पानी का लेवल दोनों स्केल में सेम लेवल पे। इसके बाद हमारे केस में मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हमको स्लोप चाहिए, तो हम हाइड्रो मार्कर की एक मेजरिंग स्केल को पॉइंट ए पे रखेंगे और दूसरी मेजरिंग स्केल को पॉइंट बी पे रखेंगे। आप इमेज में देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे दोनों मेजरिंग स्केल पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे अलग अलग से परफेक्टली वर्टिकल खड़ी रखी गई है। इसके बाद जब भी हम पानी का लेवल ऑब्जर्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि पॉइंट ए पे रखी गई जो भी स्केल है उसमें और पॉइंट बी पे रखी गई जो भी मेजरिंग स्केल है उसमें, यानी कि दोनों स्केल में पानी का लेवल पहले से चेंज हुआ होगा। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो भी पॉइंट ए पे बंदा खड़ा है उसको पानी का लेवल मिलता है 90 सेंटीमीटर और जो भी बंदा पॉइंट बी पे खड़ा है स्केल लेके
वहां पे हमको पानी के लेवल की रीडिंग मिलती है 110 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल इंटरवल बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है वो होता है वाटर लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल इंटरवल कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजर कर ले और वो मान लो हम 10 मीटर एज्यूम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे एच आई। एच आई विल बी अवर 10 मीटर। ये एच आई और वी आई की वैल्यू की मदद से स्लोप फ्रैक्शन में, डिग्री में और परसेंटेज में तीनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके सामने जो भी इमेज शो हो रही है वहां पे एक फार्मर का फील्ड दिखाया गया है। फार्मर के यह फील्ड में जो भी लैंड है वह स्लोपी है, यानी कि फार्मर के फील्ड में ढलान है। यह ढलान कितनी है, कितने परसेंटेज में है वह हम फाइंड करने वाले हैं। तो हम मान लेते हैं कि फार्मर के फील्ड में जो ढलान है वह यह डायरेक्शन में, ढलान की डायरेक्शन में फार्मर के फील्ड की जो लेंथ है वह 30 मीटर है। फार्मर के जो भी फील्ड है जिसकी लेंथ है वो 30 मीटर है उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री। यानी कि हर एक पार्ट की जो भी लेंथ होगी वो होगी 10 मीटर, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरवल होगा 10 मीटर। हर एक पार्ट में हमको दो पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट होगा ए, इस तरीके से पॉइंट होगा बी, 10 मीटर के बाद पॉइंट होगा सी और पॉइंट होगा डी। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटरवल रहेगा 10 मीटर। उसी तरीके से पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा 10 मीटर और पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा 10 मीटर। दोस्तों दो पॉइंट के बीच का वर्टिकल इंटरवल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वह हमने पीछे की स्लाइड में देखा था। उसी तरीके से हाइड्रोमार्कर की मदद से हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो भी वर्टिकल इंटरवल है वो हम निकाल लेते हैं। और मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का वर्टिकल इंटरवल हमको मिला है 20 सेंटीमीटर, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच का वर्टिकल इंटरवल हमको मिला है 15 सेंटीमीटर, पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच का वर्टिकल इंटरवल हमको मिलता है 10 सेंटीमीटर। फार्मर के पूरे फील्ड में यानी कि जो भी तीन पार्ट किए थे वो सभी पार्ट का वर्टिकल इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इंटरवल हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसकी मदद से हम फार्मर के पूरे फील्ड का स्लोप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको पता है परसेंटेज में अगर स्लोप निकालना है तो उसका फॉर्मूला बनेगा वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज इनटू 100, यानी कि वर्टिकल इंटरवल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल इंटरवल इनटू 100। यहां पे वर्टिकल इंटरवल या फिर वर्टिकल चेंज हम मीटर में लेंगे और हॉरिजॉन्टल चेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल इंटरवल वो भी हम मीटर में लेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री का टोटल वी आई हमको मिलता है, यानी कि 0.20 मीटर प्लस 0.15 मीटर प्लस 0.10 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि पार्ट वन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर प्लस पार्ट टू का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर प्लस पार्ट थ्री का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर। तो हमारा टोटल स्लोप परसेंटेज में हमको मिलेगा 1.5%। तो हमारे फार्मर का जो भी 30 मीटर की लेंथ का जो भी फील्ड था जिसमें स्लोप था तो वह स्लोप परसेंटेज में हमने फाइंड किया 1.5%। इसकी हेल्प से फार्मर पता लगा सकता है कि उसका फील्ड का स्लोप अगर इतनी रेंज में है तो उसको कौन सी वाली कंजर्वेशन प्रैक्टिस का यूज करना पड़ेगा अपनी सोइल को सोइल इरोजन से बचाने के लिए। तो दोस्तों आज हमने देखा कि खेत की ढलान क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार है, वह किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई फार्मर या फिर टेक्निकल पर्सन भी इसको निकालना चाहे तो बड़ी आसानी से यह वीडियो की मदद से निकाल सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये सब चीजें आसान भाषा में समझाने के प्रयत्न किया है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह सपोर्ट हमको बहुत ही प्रोत्साहित करता है अच्छे से और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।